दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी ही हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ के थाना फलीखाना में जिस्म फरोशी की सूचना मिलने के बाद पूर्वी टीम के द्वारा छापेमारी की गई। उक्त छापेमारी का पता चलते ही होटल के 7-8 कमरे हैं। इसके अलावा 2 अन्य कमरे अलग से हटकर बनाए हुए हैं, जिसमें जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। इन्हीं 2 कमरों में लड़कियां रखी जाती थी। छापेमारी में 3 लड़कियां, 2 सौदा करने वाले लोग, 1 कर्मचारी, 1 ग्राहक मिले हैं। पूछताछ का विवरण उक्त होटल आशु गुप्ता नाम के एक व्यक्ति का है, जिसे किराए पर लेकर समरजीत नाम का एक व्यक्ति चलाता था। दया शंकर तिवारी एवं पूजा दुबे इसमें दलाल का काम करते थे एवं इनके माध्यम से ही ग्राहक यहाँ आते थे। प्रत्येक ग्राहक से 600 रुपए लिए जाते थे, जो सभी में बांटे जाते थे। लड़कियां कानपुर एवं आसपास के जिलों की बताई जा रही है, जिनकी अलग अलग मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें बहला फुसलाकर इस गोरख धंधे में घसीटा जाता था। लड़कियों ने बताया कि रेलवे स्टेशन या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोई लड़का उनसे बात करना शुरू करता था एवं उनकी मजबूरी जानकर उन्हें इस होटल एवं धंधे में घसीटता था। इस लड़के की पहचान के बारे में इन लड़कियों को पता नहीं है, इसकी जानकारी की जा रही है। इस होटल का लाइसेंस के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, इसे सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, क्या ये सारा मामला, देखिए कानपुर से ब्यूरो प्रमुख रेहान खान की एक खास रिपोर्ट। ये थाना फीलखाना क्षेत्र में एक लॉज या होटल जैसा है, इसका नाम रॉयल गैलेक्सी है। यहाँ पे सूचना लगातार आ रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग मिलके एक काइंड ऑफ सेक्स रैकेट टाइप का चलवा रहे हैं, तो उस जानकारी पे टीम ने यहाँ पे छापा मारा है। और इसमें जो हमें यहाँ पे 3 लड़कियाँ मिली हैं और एक व्यक्ति है जो कस्टमर है, वो मिला है। बहुत सारे यूज्ड कॉन्डम मिले हैं और कॉन्डम के पैकेट्स बहुत सारे मिले हैं। इसके अलावा बियर की बॉटल, शराब की बॉटल्स, वो भी काफ़ी सारी पीछे पड़ी मिली हैं। जो ये रॉयल गैलेक्सी है, इसका मालिक जो अभी तक की जानकारी है कि अश्विनी गुप्ता या आशु गुप्ता इसको कहते हैं, वो है। और उससे समरजीत नाम के व्यक्ति ने किराए पर ले रखा था, वो इसको चलवाता था। यहाँ पर ऑपरेट करने में जो ये जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा था, इसमें एक व्यक्ति है गया शंकर तिवारी और एक महिला है पूजा यादव, ये दोनों मिलकर इसमें बेसिकली दलाली का काम करते थे। और जो इसमें रेट था, ये 600 रुपये एक काम के लेते थे, जिनमें से गया शंकर और पूजा इनको 100 रुपये मिलते थे और ऐसे ही 125-150 रुपये लड़कियों को मिलते थे। सर, ये लड़कियाँ कहाँ से प्रोवाइड कराई जाती, लड़कियाँ कस्टमर की हैं कि होटल की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती? इसमें जो 3 लड़कियाँ हमें मिली हैं, वो लड़कियाँ जो यहाँ के दलाल के लिए जो भी कह लीजिए, वो उनकी तरफ से थी। इसके अलावा कुछ कपल्स को भी दिया जाता था, बट कपल्स को देना कोई अपराध नहीं है, तो वो एक पूरा अलग एस्पेक्ट है। जो लड़कियां होटल की तरफ से यहां प्रोवाइड करी आती थी, उन पे भी चूंकि IMTP जो एक्ट है, उसमें जो महिला है उसको पीड़िता ही माना जाता है, अपराधी नहीं माना जाता, तो उससे हम उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। जो मेन अपराध है वो दलालों, होटल मालिक और जिसने रेंट पे ले रखा है, उसका मान के तय किया जाएगा और उसके आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी। लड़कियाँ यहीं की हैं, कुछ एक आधी उन्नाव जनपद की भी हैं, वो इनका फिक्स नहीं था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह से आती थी। सर, इतने दिनों से यहाँ सेक्स रैकेट चल रहा है, आप ही ने बताया, तो क्या थाना पुलिस को जो थाने से उसको इस बारे में हम जानकारी कर रहे हैं, कब से चल रहा है, मेरे पास सूचना आई थी तो मैंने काम करवाया, थाना पुलिस का भी सहयोग रहा है, बट अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मैं जाँच कराऊंगा और जो भी इसमें जो भी तथ्य आते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हम देखेंगे कि हमारे अभिजीत प्रक्रिया के तहत अगर सील हो सकता है तो हम सील। Thank you.